एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, मतलब एक लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है जो गिवन पॉइंट है ए 1, 2, -1 से होती हुई जा रही है और पैरेलल टू द गिवन लाइन, एक और लाइन है इसके क्या है ये पैरेलल, तो ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और पूछी गई है भैया वेक्टर इक्वेशन, थोड़ा सा केवल कन्वर्जन का खेल है यहाँ पे। तो देखो भैया सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अगर किसी भी लाइन जो होती है भाई, लाइन की इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में, वो क्या होती है x-x1/a, y-y1/b और z-z1/c। तो यहाँ पे x1, y1, z1 वो गिवन पॉइंट्स होते थे, ए बी एंड सी डायरेक्शन रेशियो होते थे। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चीज़ देखनी, एक्स वाई और जेड वो अकेले हैं, उनके साथ कुछ भी है नहीं, कोई कोफिशियंट नहीं है, बट यहाँ क्या देखो एक्स के साथ 5 है, यहाँ पे वाई के साथ 7 है, जेड के साथ 30 है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या किया 5 से डिवाइड कर दिया, क्या इन सब के नीचे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1, तो हर किसी के नीचे लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड किया तो क्या होगा x-5 और जब ऊपर डिवाइड किया तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया y जो होता है प्लस का होता है, यहाँ माइनस का, तो मैंने -7 से डिवाइड किया, तो -7 से डिवाइड किया ये पॉजिटिव हो गया और ये -7 से किया तो 2 हो गया और नीचे माइनस का 1/7। यस और नो, क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे 35 से डिवाइड किया तो ये z हो गया -0, 0 नहीं था मैंने अपनी तरफ से लिख दिया और 1/35, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब एक बात सुनो, ये तीनों क्या निकल के आए, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या होते थे, ऐसे तीन नंबर, कोई से भी तीन नंबर जिनको डायरेक्शन कोसाइन के साथ डिवाइड करने पर आंसर हमेशा प्रोपोर्शनल आता, बराबर आता है। अब ये अपॉन में है तो हमने क्या किया, जैसे ये 1/5 था, और समझाने के लिए ये डायरेक्शन रेशियो है, इनमें क्या किया मैंने 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया 35 का और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्यों किया बताते हैं अभी आपको, कोई ज़रूरी नहीं है करना, वैसे 7 और माइनस का 5 और ये 1, ये डायरेक्शन रेशियो ले लो, ये भी ले सकते थे लेकिन अपॉन में आ रहे थे। एक बात सुनो, ये तीन नंबर है, ये तीन ऐसे नंबर हैं जिनका डायरेक्शन कोसाइन के साथ डिवाइड करो तो आंसर बराबर आएगा, और इनके साथ किसी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो तो भी आंसर बराबर ही आएगा। यस और नो, तो मैंने डायरेक्शन रेशियो इसको ले लिए। अच्छा, कोई भी एक लाइन की वेक्टर फॉर्म जो होती क्या होती थी, जब वो किसी पॉइंट से होता हुआ जाता तो आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता था, जो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर होता, तो इसका बना पोजीशन वेक्टर आई वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर माइनस का k वेक्टर प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या होता था, जो दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो से मिलके जो वेक्टर बनता था, तो इससे बना, तो खत्म, दिस इज योर आंसर 7i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का k कैप, दिस इज योर आंसर। बस ये इसमें लॉजिक था, क्योंकि आप अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ठीक है, लिख लो इसको।